नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल सचिव आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एमी ग्रो पर। यहाँ हम आज टूर करने वाले 10x50 के न्यू हाउस का। चलिए शुरुआत करते हैं। आयरन गेट दिया गया है जिसकी चौड़ाई 4 फीट है। उसके बाद ये पार्किंग एरिया है, इसकी लंबाई 9 फीट है। तो ये स्टेयर्स हैं, 3 फीट इसकी चौड़ाई है। इसमें ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है और आइस में टाइल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पर वाटर टैंक भी बनाया गया है। आगे ये आयरन गेट, ये फ्रंट गेट, ये विंडो, यह हॉल है। इसकी लंबाई 13 फीट है। यहाँ पर 2x2 के टाइल्स का यूज़ किया गया है। और ये टीवी सेटअप बॉक्स के लिए बोर्ड, पुट्टी और कलर कंप्लीट है। विंडो, ये किचन है। किचन की लंबाई 9 फीट है। यह 2x2 का गैप दिया गया है। 1.5 फीट की स्लिप भी दी गई है। पूरा मॉड्यूलर किचन कंप्लीट है। टाइल्स की लंबाई 1x1.5 की टाइल्स लगी है। ये किचन अप्लायंसेस के लिए बोर्ड दिए गए हैं। ये वॉश एरिया है, इसकी लंबाई 7 फीट है। ये बाथरूम 4x4 में बना हुआ है, लीकेज के कारण थोड़ा काम चल रहा है इसमें। टाइल्स कंप्लीट है 7 फीट की हाइट तक। ये स्टोर करने के लिए 4x7 का स्टोर एरिया। ये 4x3 में बना हुआ है। ये वेंटिलेशन के लिए, ये हम रूम में एंटर कर रहे हैं। रूम की लंबाई 10 फीट है। ये सामान रखने के लिए लगाए गए हैं। गेट सेम है आगे हॉल की तरह। और ये साइड में स्लिप दी गई है। ध्यान रखें कभी भी इस दीवार पर स्लिप ना दें, हमेशा इस दीवार पर एल साइज में स्लिप दें। एक बार और देख लेते हैं। वॉश एरिया, स्टोर एरिया, किचन, हॉल, पार्किंग एरिया, स्टेयर्स,